internship or the what, like copy method. Okay, we have discussed about the copy method. Now I have to check for the we have just discussed enhanced for loop. Okay, enhanced for loop is complete. Now we go for the array copy method. How you have to copy one array element into the another array element? I'll go to the another slide, part 9. Copy the array element. The Java programming language provides a special method called as array copy method to copy the array element from one array to the other array. Okay, for copy the array element from one array element to the other array. So int my array, it is a source array. Okay, so यहाँ से हम copy करके whole array में paste करेंगे. तो कैसे paste होगा? सिस्टम डॉट आरे कॉपी मेथड यहाँ पर यूज किया जाता है. आरे कॉपी मेथड हम यहाँ पर यूज किए. यहाँ पर पहला जो नाम दिए हैं वो है माई आरे. माई आरे आपका इंडेक्स पोजीशन क्या है? जीरो. कहाँ से कॉपी होगा? जीरो से कॉपी होगा, यहाँ से कॉपी होगा. पेस्ट कहाँ पर होगा? ना होल्ड आरे का जीरो इंडेक्स पोजिशन में पेस्ट होगा. माई आरे यहाँ से कॉपी होगा, पेस्ट होगा होल्ड आरे में. होल्ड आरे का किस पोजीशन में पेस्ट होगा? ना जीरो पोजीशन में पेस्ट होगा. कितना तक पेस्ट होगा? ना आरे का जितना लेंथ है. आरे का लेंथ कितना है? माई आरे डॉट लेंथ. तो टोटल लेंथ यहाँ पर कॉपी होगा. तो 1 2 3 4 5 6 देन यहाँ पर जो रिजल्टेंट आरे आपका आएगा वो ऐसे ऐसे आएगा 1 2 3 4 5 6 4 3 2 1 ये आपका रिजल्टेंट आएगा. देन अभी आपको सपोज आप माई आरे वन इंडेक्स से कॉपी करोगे, मतलब ये है आपका सोर्स आरे. सोर्स आरे का वन इंडेक्स मतलब यहां से मैं कॉपी करूंगा. पेस्ट कहां पर करूंगा? ना होल्ड आरे का सपोज जीरो इंडेक्स से पेस्ट करूंगा, यहां से पेस्ट करूंगा. अभी ये जो पोजीशन है ये क्या होगा? जैसे कि मैं वन इंडेक्स से कॉपी करूंगा, मैं एक जो घर है उसका आगे चला गया. तो यहां से मैं अगर सर्च करूंगा माई आरे डॉट लेंथ तो क्या हो जाएगा? तो आरे का लेंथ कितना है? 6 है. तो एक्सीड हो जाएगा 1 2 3 4 5 देन 6 एलिमेंट नहीं है. तो यहाँ पर आपको एक्सेप्शन शो करेगा. तो आरे बोलता है यहाँ पर क्या होगा ना, जैसे कि मैं एक घर आगे चला जाता हूँ, यहाँ पर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा लेंथ माइनस वन. अगर मैं लेंथ माइनस वन पास कर देता हूँ तो क्या होगा? यहाँ पर काउंट हो जाएगा 2 3 मतलब आरे का लेंथ 6 है, माइनस वन हो गया 5. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पेस्ट हो जाएगा. अब जितना घर आगे जाओगे उतना आपका माई आरे लेंथ माइनस टू किया जाएगा. कॉपी का मतलब है जो जहां पर आप कॉपी करोगे वो ओवरराइट हो जाएगा. ऐसा नहीं कि उसका जो सेकेंड जहां जहां पर आप कॉपी करोगे उसका एलिमेंट रहेगा वो वहां पर ओवरराइट हो जाएगा. क्लियर? यस सर. सो आई विल शो द एग्जांपल देन विल अगेन क्लियर ऑन दैट.
So here we pass as a array copy method. Int a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then आपका जो डेस्टिनेशन आ रहे है वहां पर वो दिखा रहा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. तो सोर्स आ रहे है जो ए है और डेस्टिनेशन आ रहे जो है वो है बी. तो एक लोकेशन पर हम दूसरा लोकेशन यहां पर कॉपी करेंगे. तो यहां पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं सिस्टम डॉट आर ए कॉपी ए आर ए वन इंडेक्स, यहां से मैं कॉपी करूं. ओके ए आर ए वन इंडेक्स मतलब ए आर ए का वन इंडेक्स से मैं कॉपी करूंगा. कहाँ पर पेस्ट करूंगा, बी आर ए का टू इंडेक्स 0, 1, 2 यहाँ पर पेस्ट करूंगा. अप टू व्हिच एक्सटेंड, ए डॉट लेंथ माइनस वन, ए डॉट लेंथ माइनस वन, आर ए का लेंथ कितना है 6 है तो 6 माइनस 1 हो गया 5. तो आई एन टी सी कॉलोन बी. तो यहाँ पर हम एनहांस फॉर लूप यूज किए ताकि क्या होगा, जितना सारा वैल्यू है कहाँ पर ना बी आर ए में जो जो एलिमेंट है वो आपको रिट्राई करके दिखाएगा. तो पहले यहाँ पर हमने क्या किया, मैं कॉपी मेथड यूज किया, ए आर ए का वन इंडेक्स में हम कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे. जैसे कि हम एक आगे चले गए हैं तो लेंथ माइनस वन रहा, और बी आर ए का टू इंडेक्स में हम पेस्ट करेंगे, बी आर ए का टू इंडेक्स 0, 1, 2 यहाँ पर पेस्ट करेंगे. तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 10, 20, 10, 20 देन 2, 3, 4, 5, 6, 80 10, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 80 तो ये हो जाएगा हमारा अरे कॉपी मेथड. क्लियर? यस सर. तो नेक्स्ट हम मल्टी डायमेंशन आने पड़ेंगे. So next I start with the monkey dimension. Just wait, I'll show in the whiteboard.
सिंगल डायमेंशन आरे में जब तक जो हम पढ़े थे वो क्या करता था ना, सिंगल रो में सारा एलिमेंट स्टोर करता था. तो सिंगल रो मीन्स वन रो एंड इट कंटेन द मल्टीपल कॉलम. Content one row and multiple column, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो. यहाँ पर क्या है, जीरो वन टू थ्री, एक ही रो है, मल्टीपल कॉलम है, हम इंडेक्स नंबर की मदद से हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे थे. अभी हम मल्टी डायमेंशन आरे में क्या होगा, हम यहाँ पर मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम डालेंगे.
Yes, sir. सॉरी, एक कॉल आया था. ओके, सो आई जस्ट शेयरिंग यू हियर. एक्चुअली आई वांट टू शो द मल्टी डायमेंशन अरे. दिस वन. सो हियर वी हैव लाइक 0 1, so it is 0 0. Okay, 0 1 0 2 0 3, then 1 0 1 1 1 2 and 1. So these are the index number we created: 0 0 0 1 1 0, then 1 0. ये वाला position जो है ये 0 row है, तो इसलिए यहाँ पर 0 0 position हुआ. ए वाला हो गया ऊपर 0, ए हो गया 1 पोजीशन, ओके ऊपर वाला है, तो ए 0 1 हो गया, ए 0 2 हो गया, ए 0 3 हो गया, तो यहाँ पर ए हो जाएगा 1 0 1 1 1 2 1 3. ओके, आपका इंडेक्स पोजीशन हो गया. ओके, तो नाउ इसका क्या होगा? नाउ ये है आपका मल्टी डायमेंशन अरे. तो मल्टी डायमेंशन आरे में आपका कैसे डिफाइन होता है, तो यहाँ पर डिक्लरेशन करने के लिए मल्टी डायमेंशन आरे में पहले आईएनटी ए, यहाँ पर 2 रो 3 कॉलम, तो यहाँ पर रो एंड कॉलम, तो ये पहला वाला हो गया रो एंड नेक्स्ट हो गया कॉलम, 2 रो एंड 3 कॉलम दैट वी डिफाइन. We show you here. Multi-dimensional array example.
तो यहाँ पर हम नेस्टेड फॉर लूप यूज किए हैं, तो नेस्टेड फॉर लूप बेसिकली इट इज यूज टू रिट्राइव द एलिमेंट्स फ्रॉम द मल्टी डायमेंशनल अरे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो सीरियल मल्टी डायमेंशन आ रहे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। सो आई एन टी आई इज इक्वल टू जीरो, जीरो लेस देन टू, ओके तो जीरो लेस देन टू कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पर जे का वैल्यू इनिशियलाइजेशन हो जाएगा जीरो, जीरो लेस देन फोर कंडीशन इज ट्रू। तो आई जीरो जे जीरो, आई जीरो जे जीरो का पोजीशन है वन, तो यहाँ पर आपका वन डिस्प्ले किया। फिर जे का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया वन, वन इज लेस देन फोर कंडीशन इज ट्रू, तो जीरो आई जीरो जे वन, आई जीरो जे वन इट इज प्रिंटिंग यू टू, अगेन इट इज इंक्रीमेंट वन टू जीरो वन टू, वन टू टू, टू इज लेस देन फोर कंडीशन इज ट्रू। तो जीरो रो टू कॉलम इज प्रिंटिंग यू हियर थ्री, ओके। तो सिमिलर वे द प्रोसेस इज कंटिन्यू, ओके। एंड हियर बाय यूजिंग वन टू थ्री फोर देन अनदर इज इन सेकेंड रो इट इज शोइंग यू फाइव सिक्स सेवन। ये प्रोग्राम समझ में आया? हेलो हेलो। हाँ सर, मैं बोल रहा था वो इंट जो मल्टी डायमेंशन एरे डिफाइन किया वो सर वैसे डिफाइन होता है, वो सेम लाइन में नहीं होगा? हाँ हाँ, ये सेम लाइन में होगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अच्छा, हाँ अच्छा, मतलब ये थोड़ा डिस्प्ले तो, समझने के लिए ब्रैकेट्स लगेंगे सर, ब्रैकेट्स ये वाले ब्रैकेट्स, सो हाँ वो आउटर वाले वैसे ही डिफाइन होता है। ये फास्ट हो, ये ये जो है वही रहेगा, बट आप सिंगल लाइन में आप डिफाइन कर सकते हो। ओके सर, अभी हम इसका मैट्रिक्स एग्जांपल देखेंगे।
देन वी स्टार्ट विद दिस मैट्रिक्स. ये क्या करेगा ना, आपका जो रो वाइज आपका एडिशन करेगा, 10, 20, 30 ये एडिशन करके 60 दिखाएगा, 40, 50, 60 ये ऐड करके आपको 60 दिखाएगा. तो ये देखते हैं कैसे होगा. This 60 and 150. So INT SOM is equals to 0. INT X equals to 100, 20, 30, 40, 50, and 60. Okay, so we pass this value. Okay. Then INT I is equals to 0. 0 less than 2, condition is true. Okay, so when condition is true, so yahan par phir j ka value aa jayega, int j is equal to 0. 0 less than 3, condition is true. So I 0, j 0. ये दोनों condition हमारा आ गया इधर. SOM का value कितना है? 0. I 0, j 0 में क्या है? 10 है. तो 0 plus 10, अभी सॉम में कितना स्टोर हुआ? 10 स्टोर हुआ. अभी जे का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ इज 1. 1 इज लेस देन 3. 1 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू. व्हेन कंडीशन इज ट्रू देन यहां पर आ जाएगा, यहां पर जब आ जाएगा तो 0 और 1 कॉलम, 0 एंड 1 कॉलम में कितना है? 20 है. तो 10 प्लस 20 हो जाएगा इधर 30. देन j का वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट होगा 2. 2 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू. 2 इज लेस देन 3. देन यहां पर होगा एक सारे 0 रो 2 कॉलम, 0 रो 2 कॉलम यहां पर कितना है? 30 है. तो 30 प्लस 30 हो गया 60. अभी j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 3. 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स. तो a वाला फॉल्स हो गया. तो यहां पर आपको क्या दिखाएगा ना, आपका जितना सम है दिखाएगा. सम कितना है ना? 60 है. 60 दिखाएगा. अगेन जो सम का वैल्यू है यहां पर 0 हो जाएगा. सम इज अगेन कन्वर्टेड टू द 0. तो 0 कन्वर्ट होने के बाद अगेन यहां पर आ जाएगा क्या ना, आई का वैल्यू 0 है. 0 जो इंक्रीमेंट हो 1. 1 इज लेस देन 2. 1 इज लेस देन 2, कंडीशन इज ट्रू. 1 इज लेस देन 2 देन यहां पर इनर लूप में आ जाएगा. इनर लूप में क्या होगा? j इज इक्वल्स टू 0. 1 इज लेस देन 3. 1 is less than 3, condition is true. Sorry, first, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा. तो I का value 0 है, 1 हो जाएगा increment में. 1 is less than 2, condition is true. तो I का value यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 0 से 1 हो गया. फिर J का value 0 होगा. 0 is less than 3, condition is true. तो sum already 0 हो गया है, हमको 60 दिखा दिया है. तो sum is 0. एक सारे का 1 इंडेक्स, एक सारे का 1 और j का 0, 1 और 0 यहां पर कितना है? 40 है. ओके, तो सम में स्टोर हो गया इधर 40. देन सम i j का वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट हो जाएगा. 0 से हो जाएगा 1. 1 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू. तो यहां पर 1 and 1, 1 and 1 position क्या है ना? 50 है.
तो 40 प्लस 50 यहाँ पर हो गया 90, यहाँ पर 90 हो गया। फिर आई जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 2 से लेकर लेकर हो जाएगा 3, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू, 3 इज लेस देन 3 होगा, कंडीशन ट्रू। तो नहीं सर, तो यहाँ पर होगा क्या, मतलब आपका 0 है, 1 है, अभी 1 इंक्रीमेंट हो गया 2, 2 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पर आपका एक्स वन जे टू, एक्स वन जे टू में कितना वैल्यू है, 60 है, तो ये 60 ऐड हो जाएगा इधर, 60 ऐड होने पर यहाँ पर 150 हो जाएगा। जे का वैल्यू 2 है, अभी इंक्रीमेंट होगा 3, 3 लेस देन 3, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गया। जब कंडीशन फॉल्स हो गया यहाँ पर सम आपको दिखाएगा 150, जो यहाँ पर आपको दिखाया 150, उसके बाद सम 0 हो जाएगा। आई का वैल्यू 1 है, आई वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 2, देन 2 इज लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है यहाँ पर आपका लूपिंग स्टॉप हो जाएगा। तो लूपिंग जब स्टॉप होता है ऑलरेडी वी आर गेटिंग ए रिजल्ट 1600। ओके यस सर। देन और एक मैट्रिक्स एडिशन हम आपको दिखा रहे हैं। इट इज ए मैट्रिक्स एडिशन, मतलब यहां पर देखिए 1 प्लस 1 ए का मैट्रिक्स, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 3 6 हो गया, 4 प्लस 4 8 हो गया, यहां पर 3 प्लस 3 6 हो गया, 4 प्लस 4 8 हो गया, 5 प्लस 5 यहां पर 10 हो गया। तो दीज आर द मैट्रिक्स एडिशन दैट वी परफॉर्म। नाउ लेट्स टेक हियर आई एन टी सी न्यू आई एन टी 2 and 3, मतलब यहां पर 2 row and 3 column, 2 row and 3 column। तो जैसे कि यहां पर हमने हमारा क्या है, ये पहला रो है, ये सेकेंड रो है, और यहां पर 3 column। तो फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0, 0 लेस देन 2, कंडीशन इज टू 0 लेस देन 2, देन जे इज इक्वल टू 0, 0 लेस देन 3, कंडीशन इज टू 0 लेस देन 3, सी 0 0 सी 0 जे 0, मतलब ए वाला इंडेक्स में हमारा कौन सा वैल्यू स्टोर होगा ना, ए 0 जे 0 बी 0 जे 0, ए जीरो जे जीरो बी जीरो जे जीरो, 1 plus 1, मतलब ए का 0 0 पोजीशन ए है, बी का 0 0 पोजीशन ए वाला है। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो आपको ये बोला।
जीरो जीरो पोजिशन, ए का जीरो जीरो पोजिशन है वाला है, बी का जीरो जीरो पोजिशन है वाला है, तो वन प्लस वन हो गया टू। देन जे का वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट होगा वन, वन इज लेस देन थ्री, कंडीशन इज ट्रू। तो यहां पर सी जीरो जे वन, सी जीरो जे वन, जीरो रो, यहां पर जीरो रो और वन कॉलम हो गया, इसमें कहां पर स्टोर होगा, ए जीरो जे वन, ए जीरो जे वन का थ्री है, बी का बी जीरो जे वन थ्री है, सो थ्री प्लस, यहां पर थ्री प्लस थ्री हो गया सिक्स। समझ में आ रहे हैं? फिर जे का वैल्यू वन से हो जाएगा आपका टू, टू इज लेस देन थ्री, कंडीशन इज ट्रू, टू इज लेस देन थ्री, तो यहां पर हो जाएगा ए जीरो टू, सी जीरो टू, सी जीरो टू, जीरो रो टू कॉलम है वाला, ए जीरो टू, ए जीरो टू का हो जाएगा फोर, बी जीरो का हो जाएगा फोर, फोर प्लस फोर हो गया ए। फिर यहां पर जे का वैल्यू हो जाएगा थ्री, थ्री इज लेस देन थ्री, कंडीशन फॉल्स हो गया, फिर आउटर लूप में चला जाएगा, आउटर लूप में आई इक्वल टू जीरो हो गया, तो वन इज लेस देन टू, कंडीशन इज ट्रू। देन जे जीरो, वन इज लेस देन थ्री, जे यहां पर वन लेस देन टू हो गया, आई का वैल्यू यहां पर टू हो गया, आई का वैल्यू सॉरी वन हो गया, जे का वैल्यू जीरो हो जाएगा, जीरो लेस देन थ्री, कंडीशन इज ट्रू। तो सी वन जे जीरो, सी वन पहले वाला रो है तो सेकेंड रो का आ गया, तो ये दोनों ऐड हो, ऐड होकर मुझे सारा इंफॉर्मेशन यहां पर दिखा, क्लियर? ये जैसे गया, ये वाला भी इस तरह से थ्री प्लस थ्री, सेकेंड रो थ्री प्लस थ्री सिक्स, फोर प्लस फोर एट, फाइव प्लस फाइव टेन, ये वाला दिखा। Yes, sir. तो ये हो गया आपका दो मैट्रिक्स का एडिशन। ये आपका आरे का जो सिंगल डायमेंशन आरे, मल्टी डायमेंशन आरे, आरे कॉपी और एनहांस फॉर लूप, मतलब आरे का चैप्टर खत्म हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में कल हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट पार्ट टू, जो पार्ट टू कॉन्सेप्ट है उसको हम शुरू करेंगे। तो उसमें हम इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म ये सब पढ़ाई करेंगे। ओके सर, एरे वाले में यूजर इनपुट ले सकते हैं, जैसे यूजर इनपुट करके एरे, यूजर इनपुट ले सकते हैं, उसका थोड़ा एक्टिविटी भी दूंगा ना। हाँ, उसका मैं एक्टिविटी आज सेंड करूंगा, मतलब आप प्रैक्टिकल करके उसको मुझे दिखाना था। ठीक है सर, ठीक है, दूंगा उसका एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा। ठीक है। Thank you.